वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति में पेच फंस गया है रिजल्ट को लेकर। अब रिजल्ट पर लग सकती है रोक। के पाठक पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट। के पाठक जो है 25 सितंबर से ही पटना से रवाना है दिल्ली के लिए और वह अभी दिल्ली में ही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बिग अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि 1,70,000 पदों पर जो रिजल्ट जो आने वाली थी, प्रकाशित होने वाली थी, उस पर खतरा मंडराते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है के पाठक सर जो दिल्ली गए हुए हैं, किस लिए गए हुए हैं, क्या है, तो यहाँ पर आप बारीकी से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट में SLP याचिका दायर करने गए हैं और किनके किनके ऊपर में याचिका दायर हुआ है ये आप सभी समझ लीजिए। यहाँ पर टोटल 7 लोगों के ऊपर में SLP याचिका दायर की गई है। किनके खिलाफ़? तो टीटी शिक्षक संघ के खिलाफ। मतलब जो है जो शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी नियोजित शिक्षक थे वे राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते थे और बहुत सारे केस भी फाइल हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए थे, तो उनको लेकर गए हैं, ठीक है ना। और दूसरा है इनके खिलाफ़ SLP। दूसरा नंबर में जो है बिहार पंचायती राज डायरेक्टर के ऊपर में किया गया है। तीसरा जो किया गया है वह BPSC के चेयरमैन के ऊपर में किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि BEd और DLED को रिलेटेड यहाँ पर इस पर भी खतरा मंडराते नज़र आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि DLED वालों को बल्ले बल्ले DLED वाले के 1-5 में यहाँ पर आपका जो है उन्हीं का सिर्फ रिजल्ट आएगा, BEd वाले बाहर हो गए। पटना हाईकोर्ट भी का जजमेंट कल सामने निकल कर सामने आ गया था, बट यहाँ पर जो है इनके खिलाफ भी SLP याचिका दायर किया गया है और BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद सर के खिलाफ। यहाँ पर देख सकते हो कि उसके बाद में BPSC के एग्जामिनेशन कंट्रोल थे उनके खिलाफ भी SLP किया गया है। उसके बाद में बहुत सारे हैं, यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर में है चंद्रशेखर कुमार वर्मा के ऊपर में किया गया है, ठीक है ना। तो शिक्षक में पेच फंस गया है बुरी तरीके से। अब जो है शिक्षक भर्ती में पेच फंस गया हुआ है। अब जो है क्या कहना सही है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक जो है किसी प्रकार का जवाब निकल के सामने नहीं आ रही है। जब यहाँ पर SLP याचिका दायर किया गया, ठीक है ना, SLP याचिका दायर किया गया, तो इसमें बहुत सारे बात देखने को मिल रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देने का बातें चल रही है, तो वहाँ पर वे फैसला लेने गए हैं। तो यहाँ पर साफ तरह से निष्कर्ष निकल के सामने यही आ रही है कि रिजल्ट में किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्रेंड, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि BEd वाला जो बाहर है, BEd वाला जो बाहर है 1-5 के लिए और प्राथमिक में, और DLED वाला के सिर्फ बनना है। तो आप सभी जानते हैं कि न राज्य सरकार बोली थी न BPSC के चेयरमैन बोलते, तो वे क्लियरिटी लाने के लिए गए हुए हैं कि आप एक हमको क्लियर कीजिए कि हाँ हमको जो है सिर्फ DLED को ही लेना है, BEd को नहीं लेना है। जिस तरीके से राजस्थान में क्लियरिटी मिली है उसी प्रकार बिहार का भी चाहते हैं, तब जाके जो है रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके लेकर गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो BPSC द्वारा डायरेक्ट यहाँ पर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा जो बच्चे पास करेंगे, ऐसे में जो नियोजित शिक्षक है, नियोजित टीचर जो है, ठीक है ना, उनको राजकर्मी का दर्जा किस बेस पर दिया जाए इसके ऊपर में भी बात चल रही है, ठीक है। तो इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर बात चल रही है। और सबसे बड़ी खबर निकल के सामने ये भी आ रही है कि बिग ब्रेकिंग है, इतना जो SLP नंबर इतना है कि पैरवी कपिल सिविल करेंगे, जो इतना जो है कौन करेंगे, उनका नाम है पैरवी कपिल सिविल करेंगे BPSC तैयारी प्राइमरी फॉर BEd, ठीक है ना। एक बिग अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों के घबराने की बात नहीं है, जो कुछ भी निर्णय निकल के सामने आएगा वो आप लोगों के सामने रहेगा। आप लोग बहुत ही परेशान थे और कमेंट भी आ रहा था कि अब क्या होगा, बहाली में देरी होगी या रिजल्ट में पेंडिंग होगा, बहुत तरीके के क्वेश्चन उठ रही थी आप लोगों का मन में और कमेंट भी आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी वहाँ पर हो रही है सब क्लियर कट मामला निकल कर सामने आ जाएगा। जो पेज फंसा हुआ था BEd DLED का जो मामला था वो क्लियर सामने देखने को मिल सकती है वहाँ पर, वहाँ से क्लियरिटी मिलने के बाद में। उसके बाद में जो BPSC जो नियोजित शिक्षक है उनके रिगार्डिंग भी था, तो उनको जो है किस बेस पर राजकर्मी के दर्जा जो है यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है अचानक। आप जब से यहाँ पर शिक्षक भर्ती हुई है तब से पल पल की खबर यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलते रहता है, रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ न्यू अपडेट आती रहती है। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑलरेडी क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का अगर कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो आपका जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि कब क्या हो रही है
यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट रह गया हो अभी भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।